देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं नैनीताल में रहता हूँ। ये घटना है आज से ठीक 3 साल पहले की, जब मैं लखनऊ शहर में रहकर एक छोटी सी नौकरी किया करता था। मैंने अपना फ्लैट ऑफिस से थोड़ी दूर पर ले रखा था और मुझे अपने फ्लैट तक जाने के लिए एक सुनसान से रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था और मैं अकेले ही उस रास्ते से होकर गुजरता था। अब तक मेरे लिए इस रास्ते से सफ़र करना आम बात हो गई थी। बात दरअसल उस दिन की है जब ऑफिस में एक लड़का जिसका नाम अमित था, उनका प्रमोशन हुआ था। अमित बहुत ही ज़्यादा खुश था और इसी खुशी में उसने ऑफिस खत्म होने के बाद ऑफिस में ही पार्टी रखी थी, जिस पार्टी के लिए बॉस ने भी हाँ कर दी और फिर हम सबको अमित ने उस पार्टी में रुक जाने को कहा। हालांकि मैं उस समय अपने फ्लैट पर अकेले ही रहा करता था, जिस वजह से मुझे रात को ऑफिस से आने के बाद खुद के लिए खाना बनाना पड़ता था, जिस वजह से मैंने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा है, कम से कम आज मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा। और यह सोचते हुए मैं भी उस पार्टी में रुक गया। लेकिन पार्टी करते करते कब रात हो गई मुझे पता तक नहीं चला, और जब मैंने घड़ी देखी तो अब तक रात के 10:30 बज चुके थे। मेरा फ्लैट ऑफिस के दूसरी तरफ पड़ता था, जिस तरफ मेरे अलावा दूसरा कोई और इस ऑफिस में काम करने वाला रहता नहीं था, जिस वजह से मुझे मालूम था कि मुझे अकेले ही अपने फ्लैट तक जाना पड़ेगा और ज़्यादा रात को सुनसान से रास्ते से सफ़र करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, जिस वजह से मैंने अमित से कहा कि भाई मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई है और सुबह आना भी तो है। जिस पर अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, आराम से जाना और हाँ, घर पहुंचकर कॉल कर देना। फिर मैं अपने ऑफिस से निकला और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैं वहां से अपने फ्लैट की तरफ आने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने कार को स्टार्ट किया तो मेरी कार अचानक से बंद पड़ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक से मेरी कार को क्या हो गया। मैंने काफ़ी बार कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और फिर मैंने सोचा कि किसी की मदद मांग ली जाए, लेकिन फिर मुझे किसी और को इतनी रात में परेशानी देना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज पैदल ही अपने घर तक चला जाऊं, और फिर मैं ये सोचते हुए अपने घर की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। अब तक रात के करीब 11 बज चुके थे, वो रास्ता भी पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी रात को इस रास्ते से सफ़र नहीं किया था और मुझे शुरुआत में थोड़ा डर तो लगा, लेकिन बाद में मुझे काफ़ी सुकून सा महसूस होने लगा। उस सुनसान से रास्ते पर हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो पूरे दिन की थकान इस रास्ते पर आकर एकदम से गायब हो गई हो। लेकिन मेरा फ्लैट वहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से मैं थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इतनी रात में कोई चोर वगैरह ना मिल जाए, क्योंकि ऐसे सुनसान जगह पर उनका मिलना काफ़ी नॉर्मल बात थी। मैं बहुत शांत आसपास की चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, और ठंड के दिनों में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि उस वक्त अक्टूबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से उस रात उतनी ठंड तो नहीं थी, लेकिन हवाओं की वजह से थोड़ी ठंड महसूस होने लगी थी, जिस वजह से मैं अपने हाथों को आपस में बंद करके आगे की तरफ बढ़ने लगा, और फिर धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में कहीं लुप्त हो गया। मैं अब इतने अंधेरे में आ चुका था कि मुझे मेरे आसपास कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो गया था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं हूँ कहाँ। पर इतने में मैंने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसका टॉर्च जलाकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मैं उस वक्त टॉर्च को जलाकर सड़क के इधर उधर टॉर्च की रोशनी मारने लगा, ताकि मुझे समझ आ सके कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। फिर मुझे याद आया कि इस रास्ते से सफ़र करने के दौरान मुझे उस रास्ते के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया था। मैंने उस पेड़ को अपने लिए एक निशान मान लिया और फिर मैं टॉर्च जलाकर उस पेड़ को इधर उधर देखने लगा, ताकि मैं जान सकूं कि मैंने अब तक करीब कितनी दूरी तय कर ली है। मैं अभी अपनी टॉर्च की रोशनी से अपने आसपास की चीज़ें देख ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की रोशनी
एक अजीब सी आकृति पर पड़ी और जैसे मैं उसे ठीक से देख पाता कि मेरे हाथों से मेरा फ़ोन नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने अपने फ़ोन को झट से उठाया और वापस से उस चीज़ की तरफ रोशनी मारने लगा, लेकिन अब तक वहाँ पर सब कुछ सामान्य था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्या अभी भी मैंने जो देखा था वो कहाँ पर गायब हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद से ये मेरा वहम होगा और फिर मैं वापस से अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर मैं जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ा, मुझे मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर उसकी तरफ टॉर्च मारी तो मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी जब मैं वापस सामने की ओर मुड़ा तो मेरे सामने अमित खड़ा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं नीचे गिर पड़ा, जिस पर अमित ने कहा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू अभी तक यहीं पर है? फिर मैंने उठते हुए उससे कहा कि क्या यार, तू भी, तुझे पता है मैं पूरी तरह से डर गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा कौन मजाक करता है भला। अमित ने मुझे देखकर कुछ भी नहीं कहा, वह बस मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। फिर मैंने अमित से पूछा कि आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है और वह भी इतनी रात में, तुझे घर नहीं जाना क्या? जिस पर अमित ने कहा, चला जाऊँगा भाई, वो क्या है ना, आज जल्दी घर जाने का मन नहीं है, तू चल, तुझे तेरे घर छोड़ाता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। अमित की बात मुझे थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे भी मुझे उस वक्त थोड़ा डर सा लग रहा था। उसके बाद हम दोनों उस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ने लगे और फिर मैं अमित से बातें करने लगा। अमित भी मुझे बराबर जवाब दे रहा था। फिर मैंने अमित से कहा कि देखना, अभी थोड़ी देर में एक पीपल का पेड़ आएगा, उस पेड़ को देखते ही समझ जाना कि आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, ठीक है? जिस पर अमित ने कहा, ठीक है भाई। और फिर हम दोनों उस रास्ते पर पढ़ने लगे। अभी हम थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि तभी मेरी टॉर्च की रोशनी उस पीपल के पेड़ पर जा पड़ी। उस रात को जैसे ही मैंने उस पीपल के पेड़ को देखा तो मैं थोड़ा डर सा गया। वह पेड़ काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। रात को अक्सर पीपल का पेड़ काफ़ी ज़्यादा डरावना हो जाता है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ऐसे पेड़ पर भूत प्रेत और पिशाच का घर होता है। हम दोनों जैसे उस पेड़ के पास पहुंचे तो अमित ने मुझसे कहा कि भाई इतना दूर चलते चलते मैं तो थक गया, चल थोड़ी देर बैठ जाते हैं। उस पीपल के पेड़ के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था जिस पर जाकर हम बैठ सकते थे। फिर मैं अमित के साथ उस पेड़ के ऊपर बैठ गया और फिर मैंने अमित से पूछा कि वैसे तेरी बाइक कहाँ पर है? जिस पर अमित ने कहा, कौन सी बाइक? अमित मुझे हैरानी से देख रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं हैरान था कि आखिर उसे अपनी बाइक के बारे में याद कैसे नहीं है। और फिर उसी वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी, जिसे मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने कानों से लगा लिया। मैंने ये तक नहीं देखा था कि यह आखिर किसका फ़ोन था कि तभी उस ओर से मुझे आवाज़ सुनाई दी जो मुझसे पूछ रहा था कि भाई तू घर पहुँच गया क्या। मुझे आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लगी कि तभी जब मैंने फ़ोन पर उसका नंबर देखा तो मुझे पता चला कि मैं अमित से बात कर रहा था। यह देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि इस वक्त अमित तो मेरे बगल में ही बैठा था। मुझे समझते जरा भी देर नहीं लगी कि वो जो मेरे बगल में बैठा है वह अमित नहीं बल्कि कोई आत्मा है जिसने अमित का रूप ले रखा है। अब मैं पूरी तरह घबरा चुका था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह खुद को संभाला और फिर मैंने फ़ोन पर कहा कि हाँ मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, मैं अमित के साथ हूँ, अगर तुझे भी आना है तो आ जा, हम सब यहीं पर बैठे हैं। फिर मैं किसी तरह अमित को बताना चाह रहा था कि मेरे साथ किसी प्रकार का छलावा हो रहा है। मैं बस भगवान से मना रहा था कि अमित मेरे इशारे को समझ जाए और फिर मैंने फ़ोन को कट कर दिया। फिर मैं जैसे अमित की तरफ मुड़ा तो वह मुझे घूरे जा रहा था। मैं जानता था कि यह कोई आत्मा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता था कि इसे कुछ भी पता चले। और फिर मैंने इस नकली अमित से कहा, चल भाई अब बहुत देर हो गई है, और ये कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। लेकिन फिर मैंने जैसे ही अमित की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो वो अजीब सा दिखने लगा। उसका चेहरा अचानक से अपना रंग बदलने लगा, उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ने लगी। मैं समझ गया कि मैंने गलत सोचा था और ना चाहकर भी इस भूत से मैं बच नहीं सकता। इस भूत को शायद से पता चल गया है कि अब मुझे इसकी सच्चाई मालूम पड़ गई है। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते से जितनी रफ्तार से हो सकता था उतनी रफ्तार से भागने लगा।
हालांकि मैंने अमित को इशारा दे दिया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अमित मेरे इशारे को समझ भी पाया होगा या फिर नहीं। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भागता जा रहा था और भागते भागते मैं जंगल की तरफ घुस गया। लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इस जंगल के सारे पेड़ों में किसी ने जान डाल दी हो और यहाँ के सारे पेड़ पौधे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भाग ही रहा था कि मेरे पैर किसी जगह से टकरा गए और बस टकराने मात्र से ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया है। फिर मैं किसी तरह अपने पैर को छुड़ाने में कामयाब रहा और फिर मैं भागकर वापस से रोड पर आ गया। लेकिन मैं जैसे रोड पर पहुंचा तो सामने वही भयानक साया था जिसने देखते ही मुझे हवा में उठा दिया और फिर मैं वापस से उस पीपल के पेड़ की तरफ खिंचता चला जाने लगा। मैं बचने की कोशिश करने लगा लेकिन मैं अब पूरी तरह से हवा में था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और फिर तभी मैंने मन ही मन भगवान के नाम का जाप करने लगा और मेरे ऐसा करते ही मैं आज़ाद हो गया। लेकिन मैं काफ़ी ऊंचाई पर था जिस वजह से मैं जैसे ही नीचे गिरा तो मुझे काफ़ी चोटें आई और मेरे सर से खून आने लगा। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। मेरे नीचे गिरते ही मेरा भगवान का जाप करना बंद हो गया था और फिर तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कि उस पीपल के पेड़ की लताओं ने मुझे वापस से जकड़ लिया है और धीरे धीरे मेरे गर्दन को कसकर दबाते चले गए। अब मेरे गले से आवाज़ तक आनी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और मैंने अब सोच ही लिया था कि मेरी मौत निश्चित है। लेकिन फिर तभी मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी और ये कोई और नहीं बल्कि अमित ही था। इतने लोगों के यहाँ पहुँचते ही ये पेड़ वापस से सामान्य हो गया और मेरी गर्दन ढीली होती चली गई। लेकिन इन चीज़ों से मैं इतना डर गया था कि मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। फिर ऑफिस के कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से उठाया और मुझे मेरे फ्लैट तक ले गए। मैं उस पूरी रात भगवान के मंदिर में ही सोया और फिर कुछ ही दिनों के बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, आज भी जब मैं पीपल के पेड़ को देखता हूँ तो मेरे जहन में बसी वो सारी चीज़ें एकदम से ताज़ा हो उठती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।